खबर सिवनी से है। घटिया स्तर का मिल रहा पीडीएस चावल, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को भरपेट अनाज देने के लिए योजना संचालित कर रही है, पर यह योजना को संचालित करने वाला विभाग खुद ही गुणवत्ताहीन हो चुका है, जिसके चलते हितग्राहियों को घटिया स्तर का पीडीएस चावल मिल रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। और ये इसमें क्या मोटा दाना, वो कौन सा दाना आ रहा है खराब? कैसा ये क्या है? देखो जो भैया जो क्या सब पिघल रहा है, पिघल रहा है यार। रहने वाला हूँ दो महीने से, जो चावल जो मिल रहा है सोसाइटी पे, तो कुछ बाइयों ने इनको निकाली उसको कुछ बीनने में कुछ धुलने में, तो बताओ उसको जब अभी जो मेरे हाथ पे भी रखा है इसको चबो अपन तो दांत के पकड़ता है, टूटता नहीं चावल को, तोड़ो पट से टूट जाता है। मन ये चावल क्या है, क्या बलाय है इसका, क्या जाने हम क्या चीज है इसका। अब जे शरीर में कितना हानि पहुंचाएगा इसका, अपन तो अनभिज्ञ हैं। तो हमने कहा ये भोजन कह तो रहे हैं सस्ता मिल रहा, वहां तक हम मान रहे हैं, मन सस्ता में जे अंतर क्या है कि चावल की जगह और कुछ क्या चाहते हैं आप? इसका निराकरण होना चाहिए, जो हम लोग गरीब जन तो कह रहे हैं ना पलने के लिए, मगर हमको तो इसमें ऐसा लगता है जो रिएक्शन ना कर बैठे हम लोगों को, तो इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए जो गरीबों को हित में आए। कहते हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों उनके साथ तो जिस सरेआम दिख रहा है धोखा हो रहा है, जो कोई हमने तो बनाया नहीं है, आप सोसाइटी से भेजा रहे हो सरकारी दुकान से, कहां से मिलावट हो रहा है इसका क्या मालूम क्या मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? उसको तो हम ये समझ रहे हैं साहब की क्या कहते हैं, कुछ मिलावट करके या पन्नी है या फिर कोई दाना है, चावल तो नहीं समझ में आ रहा, कम से कम 20% कोई की बोरी में, 5% 10% कोई की में ज़्यादा भी माने तोलाई के हिसाब से आता है। और ये क्या कहते हैं दो महीना से जांच उठा रहे हैं जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा शिवभुवन सिंह सल्लाम। इसमें भारत सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो चावल प्रदाय किया जाता है पात्र हितग्राहियों को, और जो ICDS है MDM के अंतर्गत जो चावल दिया जा रहा है, और KKY के अंतर्गत, उस चावल में फोर्टिफाइड राइस या फारके मिला करके 1% फारके माने 1 क्विंटल अगर है तो उसमें 1 किलो चावल मिलाया जाएगा या फारके का, और उसमें फारके जो है तो ये न्यूट्रिशन के लिए है, पोषण आहार के लिए है, तो ये पोषित करने के लिए है, और ये प्लास्टिक का चावल नहीं है, और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में है ये उचित मूल्य दुकानों में 5 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है शासन द्वारा। अतः सभी से अपील है मेरी कि जो उपभोक्ता इसको यूज कर रहे हैं, जिनको मिल रहा है जनवरी महीने से, उसमें कोई चावल प्लास्टिक का नहीं मिला हुआ है, वो फोर्टिफाइड राइस है, उसको उपयोग करें। हम लोग भी अपने यहाँ थोड़ा सा उस चावल को बनाए हैं, कोई उसमें इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि उसमें पक नहीं रहा है या वो अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट में, बहुत ही अच्छा है और वो पौष्टिक उसमें तत्व मिले हुए हैं। भारत शासन की ये योजना है और ये जनवरी महीने से मध्य प्रदेश शासन में भी शासन के द्वारा इसको वितरण करने के लिए उपभोक्ताओं को और सभी जो स्कूल हैं उसमें MDM के तहत, ICDS जो महिला बाल विकास विभाग के जो आंगनबाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर, और KKY जो कल्याणकारी योजनाओं के तहत ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो हॉस्टल के लिए दिया जाता है चावल उसमें दिया जाता है।